हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। आप देख रहे हैं जेके आर टेक्निकल। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम बताएंगे ग्राइंडर जो है मेरे पास, देख लीजिए, ग्राइंडर है, ठीक है। तो इसी को आज हम रिपेयर करके आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे जो है हम इसे जब लाइन में लगाते हैं, ठीक है, तो इसे लगाने के बाद क्या होता है, ये चालू नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि हम अच्छी तरह से आपको जानकारी दें और पूरा फुल डिटेल्स में बताएं, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरह का अगर आप रिपेयर करते हैं या बड़ा या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले है सीरीज बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला जो है सीरीज बोर्ड आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको जो है इस तरह से पीछे से जो है स्क्रू होता है, उसे आपको ये खोल लेना है, ठीक है। आपको खोल लेना पड़ेगा, ठीक है। खोलने के बाद क्या करना है, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कार्बन वर्बन ये सब जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कार्बन आपको चेक कर लेना है कि कोई कार्बन कोई ख़त्म तो नहीं हो गया, कि ताकि कभी कभी होता है कि कार्बन को ख़त्म हो जाने से इस तरह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो दोस्तों, कार्बन तो सही है, इधर भी हम चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग को इस प्रकार से इधर रख देना है, ठीक है। उसके बाद कार्बन को चेक कर लें। तो दोस्तों, अभी तक तो इसमें दोस्तों कार्बन देखिए इतना सारा कार्बन है। तो दोस्तों, ये कार्बन सही है। तो दोस्तों, ये इसमें जो है सप्लाई, शायद सप्लाई को ही चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि कार्बन सही है तो इसमें सप्लाई चेक कर लेंगे। कभी कभी होता है क्या कि यहाँ से, तो दोस्तों कभी कभी होता है क्या कि यहाँ से ज़्यादा वायर मुड़ जाने के कारण होता है कि यहाँ से सरक जाता है, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखें। वैसे दोस्तों, अगर इस वीडियो को देख रहे तो फिर टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ से रिपेयर करना है, क्या करना है, कैसे चेक करना है, ये सब जो तरीका है हम पूरा बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये वायर है, वायर को भी चेक कर लेना है। वायर को कैसे चेक करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीमीटर मीटर का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये इस तरह का जो है एक चिमटी लेना पड़ेगा और इसे जो है देखिए यहाँ से हम आपको दिखा लेते हैं। देखिए यह जो है सीरीज बोर्ड है, ठीक है। ये वाला जो है सीरीज बोर्ड देख लीजिए, ठीक है, ये सीरीज बोर्ड है। तो दोस्तों, हम प्लग को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे हम चिमटी से चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सप्लाई आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है सप्लाई तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चेक करते हैं थोड़ा सा और, एक और दिमाग लगा करके आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको एक इस तरह से कटा हुआ वायर लेना है, ठीक है, छोटा सा। और उसके बाद जो है देख लीजिए, यहाँ पे हम पहले चेक करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा जो है सीरीज बल्ब जल रहा है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर अभी भी जो है ये चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, एक और बात क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ग्राइंडर मशीन का जो है ये जो है आपको खोल लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर नचने के बाद क्या होगा कि ये खोल करके आपको इससे हटने से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप हटा लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा जो है ग्राइंडर चालू है, ठीक है। चालू होने के बाद यहाँ पे देखिए, अब देखिए सीरीज में है दोस्तों, आप डरिएगा मत, इसलिए कि ये सीरीज में है ना, तो ये ग्राइंडर मशीन पूरा फुल स्पीड में नहीं चलेगा। थोड़ा अगर चलेगा भी तो एकदम हल्का गन करके आराम आराम से चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सीरीज बोर्ड जो है रखना ज़रूरी है, अगर इस तरह से रिपेयर अगर मेरा वीडियो को देख के कर रहे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है, ठीक है, ये सब जो है चेक कर लेना है कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको चेक करने के लिए देखिए, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है आपको कि यहाँ पे दो वायर है, जो मेन जो वायर का जो दो वायर आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से रखना है और उसके बाद एक साइड इधर लगाना है और उसके बाद इधर चेक करना है। तो देखिए, तो इधर जो है सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब जो है इस साइड भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड भी चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो इधर देखिए दोनों साइड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इधर चेक कर लिए, ठीक है। अब जो है एक बार और हम चेक कर लेंगे, स्विच के पास हम चेक करेंगे, देखिए इधर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमने जो है स्विच का जो है यहाँ पे जो एक स्विच होता है, इस सामने में एक स्विच होता है, देख लीजिए ये वाला जो है स्विच है, ठीक है, जिसमें ये दोनों वायर कसा हुआ है, देख सकते हैं इधर से, ये जो है ये स्विच है।
ठीक है, ये स्विच है। तो दोस्तों जब हम स्विच को चालू कर दिए तो स्विच में जो है सप्लाई आना चाहिए, यहाँ देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम होगा स्विच में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम एक और चीज़ से हम चेक कर लेते हैं कि स्विच में प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है ये बोर्ड निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये मल्टीमीटर का जो है प्रॉप केबल है, ठीक है। तो इसे हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसे इस तरह से रख करके, अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें सावधानी ये बरतना है कि आपको ये देखना है कि शॉर्ट सर्किट आपको ना मारे, इसलिए आपको सेफ्टी चीज इसमें जो है ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों हम थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप के हैं तो इसलिए जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब जो है हम डायरेक्ट ही हम चेक कर लेते हैं कहाँ से हमारा जो है स्विच वहाँ से दिया हुआ है लेकिन कोई सप्लाई नहीं जा रहा, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमने, देखिए यहाँ पर भी हमने सटाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और स्विच में भी हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए जो है ये स्विच से सप्लाई नहीं मिल रहा है और ऊपर से जो है यहाँ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का हो रहा है, एक साइड में जो है सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड में जो है इधर भी, बस इधर जो है सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं और इस स्विच को पहले हम निकाल कर पहले स्विच को मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ये मल्टीमीटर से हम इसे चेक करने के लिए उससे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। यही जो है ये स्विच है, ठीक है, यहाँ से जो है सप्लाई निकलता है, ठीक है, इधर से इन होता है और इधर से जो है निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्विच को हम पहले मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर है, दोस्तों मल्टीमीटर को जो है आपको कंटिन्यूटी पे रख लेना है, ठीक है, जहाँ पर बीप का साउंड देता हो, देखिए यहाँ पर आपको बीप का साउंड देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है और उसके बाद जो है स्विच देना है और इसी के जस्ट सामने में देख लीजिए, इसी के जस्ट सामने में ऊपर में आपको चेक करना है, ठीक है, इसमें बीप का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी साइड में इधर लगा लेते हैं और इस स्विच दबाते हैं, उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है स्विच में जो है एक साइड जो है सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, इस साइड में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम स्विच को खोल लेते हैं, ओपन करते हैं, दोस्तों हम स्विच को ही रिपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्विच है, स्विच के अंदर में आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये वाला जो है, देखिए ये वाला सही काम कर रहा है लेकिन ये वाला जो स्विच है ये वाला पूरा बराबर तरीके से दब नहीं रहा है, ठीक है। और ये हीट होकर के ये जो है अंदर का जो प्लास्टिक है यहाँ पर का, देखिए यहाँ पे जो कोर निकला हुआ है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये स्विच ख़राब है, ठीक है। अब दोस्तों जो है हम इसे हटाते हैं और इसे हम चेक कर लेते हैं ये वाला को, और दोस्तों आर्मेचर को जो है हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्विच से होकर के आया था, तो ये वाला जो वायर है तो आपको ये देख लेना है कि ये कार्बन इधर लगा हुआ है कि नहीं, स्प्रिंग चेक कर लेना है, ठीक है, कार्बन का, और इधर भी चेक कर लेना है स्प्रिंग कार्बन का, ठीक है। तो ये दोस्तों लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम सप्लाई लगाते हैं और इसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से दोस्तों चेक करना है, तो सीरीज में ही चेक करना है, देखिए सीरीज में ही चेक करना है ताकि आपको स्पीड ना चले, खाली गन से आवाज़ आएगा। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है इधर का जो है आर्मेचर वर्मेचर ये सब सही है, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम है ये हमारा जो है स्विच में ही प्रॉब्लम है, ये वाला जो स्विच है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम नया वाला लगा देंगे, ठीक है, ये पुशअप स्विच जो है ये ख़राब है, जो है हटा देते हैं। और यहाँ पे जो है हम लगाएंगे ये वाला, देखिए नया है, पुशअप स्विच है, ठीक? अब दोस्तों बात करते हैं ये दोनों में, तो दोनों में देखिए दोस्तों डिफरेंट कितना है, ये है ओरिजिनल है पुशअप स्विच और ये देखिए इसका साउंड देखिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम लगा देते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने सब चीज़ कनेक्शन जो है कर लिया है, स्विच का भी हमने कर लिया है, इधर भी जो है देख लीजिए इधर भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब जो है इसे हम एक बार सीरीज पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लॉक कर दिया है देख लीजिए, इसके बाद यहाँ चेक करते हैं तो साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साउंड आएगा। ठीक है, और घन से थोड़ा सा हल्का सा चलेगा, नचेगा, घूमेगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो ये सही हो चुका है। अब जो है इसे हम स्क्रू लगा करके इसे टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप ही इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है हम इसे देख लीजिए यहाँ है, अब हम इसे तो दोस्तों हम मेन लाइन में लगा करके इसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में जरूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।